राज्यसभा चुनाव के लिए पूरे देश में सरगर्मी तेज है और आपको बताएं पंद्रह राज्यों में सत्तावन सीटों के लिए दस जून को चुनाव होना है यूं तो कुछ सीटें निर्विरोध भी चुनी गई हैं जिसमें संख्या इकतालीस है यानी इकतालीस सदस्य राज्यसभा के लिए ऐसे हैं जो निर्विरोध चुन लिए गए हैं लेकिन सोलह सीटों के लिए चुनाव होना अभी बाकी है और इन सोलह सीटों को लेकर के कांटे की टक्कर कई राज्यों में देखने को मिल रही है जहां हमने देखा राजस्थान वहां भी कांग्रेसी खेमे में खलबली मची हुई है क्योंकि वहां से एक निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सुभाष चंद्रा वो मैदान में है जिनको भारतीय जनता पार्टी के सदस्य जो है वो समर्थन दे रहे हैं और उनको जो बाकी लोगों की जरूरत है यानी बाकी वोट की जो जरूरत है वो निर्दलीय और कांग्रेस के वोटर भी हो सकते हैं यानी कांग्रेस के विधायक भी हो सकते हैं ऐसा सूत्र कह रहे हैं उनको जिताने के लिए यह खेल कैसे होगा इसमें तिगड़म भिड़ाई जा रही है और इसीलिए आपको बता दूं कांग्रेस ने अपने विधायकों को होटल में कैद करके रखा हुआ है इसी तरह महाराष्ट्र विधानसभा की जो सीटें हैं वो टोटल सीटें दो हैं और वहां से इसके हिसाब से छह सीटें राज्यसभा के लिए आ, मेंबर को जिताकर भेजे जा सकते हैं यानी दो हैं एक व्यक्ति को जिताने के लिए 42 वोटों की आवश्यकता होती है दो सौ एक व्यक्ति को चुनकर भेज सकते हैं टोटल वहां दो सीटें हैं विधानसभा की और इसलिए छ के लिए बहुमत होता है लेकिन वहां से सात सदस्य मैदान में हैं और वहां खेल बिगाड़ा कांग्रेस के एक सदस्य ने हालांकि कांग्रेस के पास अपने इतने विधायक हैं कि वो अपनी जो सीट है उसको मेंबर के रूप में भेज सकता है जिसमें इमरान प्रताप गढ़िया को उन्होंने मैदान में उतारा अब महाविकास अगाड़ी जिसके पास वोट तीन सीटों के लिए है लेकिन उन्होंने चार मेंबर मैदान में उतार दिए इसमें आपको बता दूं शिवसेना से संजय राउत संजय पवार एनसीपी से प्रभुल पटेल और कांग्रेस से इमरान प्रताप गढ़ी तो ये जो चार लोग उतरे हैं इसमें रस्सा कसी हो रही है क्योंकि बीजेपी ने भी अपने तीन कैंडिडेट मैदान में उतारे हैं बीजेपी से पीयूष गोयल अनिल बोंडे और धनंजय महाणिक ये तीन सदस्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतारे हैं और आपको बता दूं इसी वजह से क्योंकि सीटें हैं छह कैंडिडेट मैदान में हैं सात और इसलिए एक सहमति नहीं बन पाई सहमति बनाने की महाविकास अगाड़ी ने पहल की थी और वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस उनके पास जाकर आग्रह किया था कि आप अपना एक कैंडिडेट विद्रॉल कर लो हम आपको इसकी विधान परिषद की सीट इसके बदले दो दे देंगे लेकिन यह फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी ने ठुकरा दिया और इसी के बाद वहां पर कांटे की टक्कर हो गई इतना यह कहें कि अब जो शिवसेना के कैंडिडेट हैं शिवसेना ने जिन दो कैंडिडेटों को उतारा है संजय राउत और संजय पवार इसमें से कोई एक ही राज्यसभा जा पाएगा या दोनों जाएंगे अब यह देखना दिलचस्प होगा यहां आपको बताएं दो जो कुल सीटें हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक छह निर्दलीय मिलाकर 112 उनके पास सदस्य हैं जबकि अगर तीन सदस्यों को जीतने के लिए वहां एक को 42 सीटें चाहिए 42 वोट चाहिए तो कुल 126 वोट चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी के पास 14 वोट कम हैं। तो यह भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कांटे की टक्कर बनी हुई है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सूत्र हैं वो बड़े निश्चिंत हैं और वो कहते हैं कि हमारे पास तो छह निर्दलीय हैं और बाकी छोटे दलों का समर्थन हमारे को प्राप्त है और इसलिए हम निश्चिंत हैं हमारे तीनों कैंडिडेट राज्यसभा जा रहे हैं इसके लिए कोई हमको चिंता की बात नहीं है लेकिन अपने विधायकों को होटल में शिफ्ट करना भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि वो इसलिए जरूरी है कि शिवसेना उसमें कहीं सेन न लगा दे यहीं आपको बता दें शिवसेना का भी ये कहना है कि हमारे मैदान में चार कैंडिडेट हैं चारों कैंडिडेट राज्यसभा जीत करके जाएंगे और हमको जो जरूरत है उनका भी दर्मोदार निर्दलीय के ऊपर है वो कहते हैं निर्दलीय में सात अगर छह बीजेपी को दे भी दें तो वहां तेरह निर्दलीय हैं सात बचेंगे वो सात हमें सपोर्ट करेंगे उसके अलावा छोटे दल सपोर्ट करेंगे लेकिन यहां जो शिवसेना या महाविकास अगाड़ी है इनके मंसूबों पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है तो ए आई उनके भी नेता यहां पर जो एमएलए हैं वो दो संख्या है उनकी और एआईएमआईएम ने यह घोषणा की है कि महाविकास अगाड़ी ने अभी तक हमसे समर्थन नहीं मांगा है खुलकर समर्थन मांगे कि हमें समर्थन दीजिए तो हम विचार करेंगे वरना हम वोट नहीं करेंगे और इस तरह से यदि दो वोट कम होती है तो इससे शिवसेना के मंसूबों पर पानी फिरने का एक चांस दिखाई दे रहा है तो यहां जो है आपको बताएं ये ज्यादातर विधानसभा सीटों के लिए जो आ, वोटर हैं वो कहां से आएंगे तो विधानसभा की जो सीटें हैं 24 साल बाद ये ऐसा मौका आया है आ, ये महाराष्ट्र में कि राज्यसभा सीटों के लिए आ, चुनाव होने जा रहा है क्योंकि सहमति नहीं बनी है और इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन कौन सी पार्टी किसको सपोर्ट करती है कौन किस दल को सपोर्ट करता है हालांकि सूत्र ऐसा बता रहे वीप जारी होने के बावजूद भी कुछ लोग एबसेंट हो सकते हैं क्योंकि वीप जारी होने के बाद यह पहली बार है कि पहले जो है गुप्त मतदान होता था लेकिन इस बार जो मतदान है राज्यसभा का उसमें वहां पर जो अधिकारी नियुक्त होगा उसको दिखाना पड़ेगा पार्टी का एक कैंडिडेट वहां पर रहेंगे कि आप जो अपनी वोट डाल रहे हैं वो किसको दे रहे हैं वो दिखाना पड़ेगा आपको बैलेट पत्र और इस देखने में अगर वीप का उल्लंघन किसी ने किया तो पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है हालांकि विधायक की जो सदस्यता है विधानसभा की वो उसमें बरकरार रहती है लेकिन पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन ले लेगी ये इसलिए ये माना जा रहा है कि वोट तो कोई वीप के बिना नहीं देगा मतलब वीप के अनुसार ही देगा लेकिन यहां एबसेंट होने की बात चल रही है कि कुछ लोग एबसेंट होकर पार्टियों का खेल बिगाड़ सकते हैं यहां आपको बता दें जो महाराष्ट्र में विधानसभा की सीटों के लिए जो कुल सीटें हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के पास 112 और महाविकास आगाड़ी के पास एक सीटें हैं इनको नौ ऐसे और वोट चाहिए कि ताकि इनके जो कैंडिडेट हैं वो सबके सब जीत जाएं यानी चार कैंडिडेट इनके हैं तो चारों के चारों राज्यसभा सीट पर जीत जाएं उसके लिए नौ वोटों की इनके पास कमी है इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के पास 112 हैं तो उनको कुल तीन कैंडिडेटों को के जिताने के लिए 126 वोटों की आवश्यकता है 14 वोट उनके पास भी कम है और दोनों जो दावा कर रहे हैं महाविकास अगाड़ी या भारतीय जनता पार्टी उनका धर्मदार छोटे दल और निर्दलीय पर है तो छोटे दल के आंकड़े जो हैं वो मैं आपको बताऊं बहुजन विकास अगाड़ी के तीन विधायक हैं समाजवादी पार्टी के दो प्रहार जनशक्ति पार्टी के दो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के एक और शेकापा के एक स्वाभिमानी पक्ष का एक क्रांतिकारी शेतकारी मोर्चा एक जनसुराज शक्ति उनका एक वोट है और राष्ट्रीय समाज पक्ष उनका भी एक विधायक इस विधानसभा में है वहीं ए आई के दो विधायक विधानसभा में हैं और निर्दलीय की संख्या है तेरह तो कुल मिलाकर मामला दिलचस्प पहुंचा जा रहा है और आपको बताएं विधायक कहीं घर ना बैठ जाए या कोई छोटे दल का लोग या कोई निर्दलीय वोट देने से चूक ना जाए इसी के डर में आपको बताएं जो शिवसेना है उन्होंने मड आईलैंड में अपने विधायकों को शिफ्ट किया है और वहां उनकी पहरेदारी भी की जा रही है कि कोई किसी से टेलीफोन पे तो नहीं बात कर रहा है या फिर कोई जो है मिलने की कोशिश या भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा एक तरह से यहां ये कहा जाए कि अगले कुछ दिनों के लिए विधायकों की उनकी मौज है जहां चुनाव है जैसे राजस्थान महाराष्ट्र निर्दलियों की काफी बल्ले बल्ले हो रही है क्योंकि इनकी मान मनोबल करने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं और इस पार्टियों में आ, आप देखिए कि उनको होटल में रखकर उनकी खातिरदारी की जा रही है फाइव स्टार होटलों में उनको ठहराया जा रहा है तो एक तरह से आपको बताएं ये मौका ऐसा आया है कुछ राज्यों में कि निर्दलीय और छोटे दलों के विधायकों की पूछ हो रही है वहीं जो बड़े दल हैं उनको केवल अपना मान स्वाभिमान बचाने की बात यह दिखाई दे रही है कि उनके जो कैंडिडेट मैदान में हैं अगर वो हारते हैं तो ये पार्टी के लिए एक झटके के रूप में देखा जाता है तो ऐसे में हमने देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग की बातें भी आ रही हैं राजस्थान की सरकार ने तो बाकायदा इसकी कंप्लेंट करी और उन्होंने कहा कि हमारे विधायकों को खरीद फरोख्त की बात हो सकती है तो एसीबी से उन्होंने शिकायत की है कि हमारे विधायकों को कोई पार्टी खरीद सकती है इस पर संज्ञान लिया जाए और उनका इशारा था बीजेपी की तरफ या निर्दलीय जो सुभाष चंद्रा जी हैं उनकी तरफ तो यहां आपको बता दें राजस्थान में भी ये जो हिसाब किताब है 200 कुल वोट हैं यानी विधायक हैं और वहां एक राज्यसभा मेंबर को भेजने के लिए 41 वोटों की आवश्यकता है बीजेपी उनके विधायक इकहत्तर हैं सेवेंटी वन और उनका एक सदस्य मैदान में है इसके अलावा उनके पास तीस विधायक अतिरिक्त बचेंगे ये ये विधायक सुभाष सुभाष चंद्रा चंद्रा जी जी को को सपोर्ट करेंगे इसका मतलब ये हुआ इकतालीस वोटों में से तीस तो भारतीय जनता पार्टी से मिल गई हैं उनको केवल ग्यारह वोटों की आवश्यकता है अब सुभाष चंद्रा जी के पास ग्यारह जो हैं उनका धर्मोदार भी निर्दलीय पर है और यहां राजस्थान में भी तेरह निर्दलीय हैं सीपीएम के दो और बीटीपी के दो और आरएलडी का एक विधायक है तो अब देखना होगा यहाँ भी मामला दिलचस्प है और सुभाष चंद्रा जी ने ये भरोसा ऐसे बिल्कुल कहा है उन्होंने कहा कि मेरी जब बात हो गई है उसके बाद ही मैं राजस्थान से मैंने पर्चा दाखिल किया है भारतीय जनता पार्टी ने जो समर्थन देने की बात की थी वो उन्होंने घोषणा कर ही है तीस मेंबरों के साथ वो वहाँ उनको मदद कर रहे हैं अब देखना होगा कि सुभाष चंद्रा वहां से जीतते हैं या कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो राज्यसभा में अपने लोगों को ज्यादा भेजने में कामयाब होते हैं बहरहाल यह माना जाए कि चौबीस साल बाद महाराष्ट्र में राज्यसभा के लिए चुनाव होने जा रहा है मामला दिलचस्प है और धड़कने बढ़ी हुई है शिवसेना और बीजेपी इसमें एक कांटे की टक्कर की स्थिति में है अब देखना होगा कौन बाजी मारता है धन्यवाद